इसी के आगे है एक और छोटे छोटा टॉपिक, ऑपेरॉन मॉडल। ऑपेरॉन मॉडल अगले चैप्टर में पढ़ना है, ऑपरिन का सिद्धांत वो अलग है, ऑरिजन ऑफ लाइफ में अपन लोग पढ़ रहे हैं ऑपेरॉन मॉडल। ऑपेरॉन मॉडल का मतलब है जीन का समूह है, ऑपेरॉन कहलाता है। क्या है जीन? वैज्ञानिक थे जैकब और मोनोड ने एक मिल करके ऑपेरॉन मॉडल प्रस्तुत किया, 1966 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इस पर एक्सपेरिमेंट किस पर किया इन्होंने, अपने शरीर की आंत में एक बैक्टीरिया पाया जाता है एस्केरिया कोलाई, ई कोलाई, कौन सा एस्केरिया कोलाई या ई कोलाई पर एक्सपेरिमेंट किया। और क्या परिभाषा दी इन्होंने, जीवाणु डीएनए में जीन के समूह होते हैं, जीवाणु डीएनए में जीन के समूह होते हैं जिन्हें ऑपेरॉन कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर जीन। पहला दूसरा तीसरा और ये, यानी ऑपेरॉन क्या है, ऑपेरॉन एक मॉडल है, मॉडल का मतलब है जीन का समूह जो बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया एक्सपेरिमेंट किया था, एस्केरिया कोलाई एक्सपेरिमेंट किया था। और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने स्ट्रक्चरल जीन निकाला, प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर, चार प्रकार के जीन का नाम दिया। और टोटल नाम क्या है, ऑपेरॉन मॉडल। अब स्ट्रक्चरल जीन क्या है, स्ट्रक्चरल जीन माने संरचनात्मक। इस जीन पर प्रोटीन या एंजाइम्स निर्माण का कोड होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जीन से संरचनात्मक जीन से दूसरे जीन की ओर बढ़कर एक मैसेंजर आरएनए पर सभी जीन को रेप्लिकेट करता है। तो मिलाके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स इस स्ट्रक्चरल जीन को दूसरी अवस्था में बदल करके कार्य कराता है, उसका क्या नाम दिया, स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर, जो जीन बना हुआ है उसको प्रमोट करना और एनर्जी देना, आगे बढ़ा करके कार्य कराना, उसका क्या नाम होगा, प्रमोटर जीन। रेगुलेटर, जैसे अपन लोग रेगुलेटर का नाम सुना होगा, इस जीन पर रेस्पिरेटर प्रोटीन कोडॉन उपस्थित होता है, जैसे ये है ना नाइट्रोजन बेस एडिनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन, इसी के कोड क्या होते हैं, स्थित होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया, रेगुलेटरी। ऑपेरॉन यह है क्या होता है, ये इसके समीप होता है प्रमोटर, और रेगुलेटर जीन माने सपोर्ट करता है उस जीन को आगे कार्य करने के लिए, वो क्या दिया, रेगुलेटर। अंतिम दिया है ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर क्या है, यह प्राह किसके समीप किया, ये भी प्रमोटर के साथ होता है और जुड़ करके दूसरे ऑपरेटर जीन क्या करता है, वहां पर कुछ कमी रह गई तो ये उनके साथ जुड़ करके उस कार्य को पूरा कराता है, ये जीन कौन सा, ऑपरेटर। स्ट्रक्चरल जीन संरचना बदल करके जहां पर पहुंचा उसका रूप धारण करके कार्य करता है, क्या हो गया स्ट्रक्चर, और जो कर रहा है उसको प्रमोट कर रहा है ये जीन। रेगुलेटरी माने जहां जो चेंज कर रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसको कोडन करता है, कोड करके जैसे मान लीजिए निशान लगा देना यहां पर ये क्रिया संपन्न हो रहा है, कौन करता है, ऑपरेटर। ऑपरेटर हमने बताया कि इसके पास रहता है कहीं कुछ एनर्जी की कमी होती है, इसके पास स्टोर रहता है थैला, वो जाकर के उनको दे देता है जिससे वो कार्य पूरा अपना संपन्न कर लेते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, ऑपरेटर जीन। स्ट्रक्चर जीन, प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन और ऑपरेटर, चार प्रकार के जीन की संरचना है और इसका पूरा नाम क्या है, ऑपरेटर जीन। इस प्रकार से ये दोनों टॉपिक कौन कौन सी, इसके पहले सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा था और सेंट्रल डॉग्मा के बाद ऑपरेटर जीन का अध्याय पूरा होगा। अब एक टॉपिक रह गया है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, उसकी बात करेंगे अगले टाइम।